गोकू और वेजिटा दोनों सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स हैं ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर। वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जी फाइटर्स हैं और वो दोनों एक दूसरे के राइवल्स हैं। इसलिए सबका सवाल है कि उन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, गोकू या वेजिटा। वो दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और यही बात करते हैं कि उन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। गोकू हमेशा कोशिश करता है कि वो वेजिटा के आगे रहे और वेजिटा पूरी कोशिश करता है और पूरी मेहनत कर लेता है गोकू को सरपास करने के लिए। बल्कि उसका मेन गोल ही है गोकू को सरपास करना। तो आज मैं तुम बताने वाला हूँ गोकू और वेजिटा कौन सा स्ट्रॉन्ग थे पूरी सीरीज के अंदर। किसी पॉइंट पर गोकू ने एक वेजिटा को पूरी तरह सरपास कर दिया था और किसी पॉइंट पर वेजिटा ने भी गोकू को सरपास कर लिया था। लेकिन ये बताना मुश्किल है कि हर आर्क के अंदर कौन किससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ गोकू वर्सेस वेजिटा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक कर देना, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और अगर तुमने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो वो भी जरूर से कर लेना। सो लेट्स गो। गोकू और वेजिटा पहली बार मिलते हैं सैयन साग के अंदर, जब गोकू किंग काई के पास से ट्रेनिंग करके आ चुका होता है और वेजिटा का पावर लेवल गो के मुकाबले बहुत ही ज्यादा होता है। गो का 8000 होता है और वेजिटा का 18000। लेकिन गोकू ने किंग काई से बहुत सारी चीजें सीखी थी और उनमें से थी कायोकेन और स्पिरिट बॉम्ब। कायोकेन की मदद से गोकू अपनी पावर को मल्टीप्लाई कर सकता था और अपनी पावर को बहुत बढ़ा सकता था। और जब उसने कायोकेन टाइम 4 यूज किया था तो उसने वेजिटा को पूरी तरह सरपास कर दिया था। उन दोनों की पहली फाइट होती है सैयन सागर के अंदर, जब गोकू किंग काई से वापस आ जाता है और वेजिटा और गोकू लड़ते हैं। उन दोनों की पहली फाइट के अंदर गोकू तो कायोकेन इस्तेमाल करके वेजिटा को बुरी तरह मार रहा होता है और जब गैलिक गन और कामेहामेहा से वो दोनों क्लैश करते हैं तो गोकू उसको सरपास कर लेता है अपने कायोकेन टाइम 4 की मदद से। लेकिन कायोकेन टाइम 4 यूज करने के बाद गोकू की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और वेजिटा ने एक आर्टिफिशियल मूड बनाकर अपने आप को ग्रेट एप बना लिया और गोकू को बुरी तरह मार दिया। और गोकू अपने कायोकेन के साथ भी उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि ग्रेट एप पावर को टाइम टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता है। तो वेजिटा ने गोकू को पूरी तरह सरपास कर दिया था। और अगर गोहान, क्रिलिन और याजिरो भी नहीं होते तो गोकू वहीं पे मारा जाता। तो अगर हम लोग देखें कि गोकू और वेजिटा की फाइट में कौन जीता तो इसमें साफ साफ विनर है वेजिटा, क्योंकि उसने गोकू को हरा दिया था एंड पॉइंट पर और उसको भागना पड़ गया था क्रिलिन और गोहान की वजह से। तो इस पॉइंट पर वेजिटा ज्यादा स्ट्रांग था तो इस फाइट का विनर था वेजिटा। लेकिन नेमिक सागर के अंदर ये बहुत डिफरेंट होता है। अर्थ की बैटल के बाद वेजिटा का पावर लेवल भी बढ़ चुका था क्योंकि उसको भी जेंकाई वोस मिल गए थे। वहीं गोकू जब अर्थ से नेमिक आ रहा था तो उसने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करी। उसने इतनी ट्रेनिंग करी कि उसका पावर लेवल सीधा 19000 पे पहुंच गया था और उसने पूरी तरह वेजिटा को सरपास कर लिया था। और सिर्फ यही नहीं बल्कि वो कायोकेन भी इस्तेमाल कर सकता था तो वेजिटा के मुकाबले बहुत ही आगे जा चुका था। नेमिक सागर के बीच में वेजिटा को बहुत सारे बूस्ट मिलते हैं लेकिन वो भी काम के नहीं होते हैं। और जब गोकू हीलिंग चेंबर से निकलता है तो उसका पावर लेवल 3 मिलियन तक पहुंच चुका होता है। वो अपनी बेस फॉर्म के अंदर फीजर से लड़ रहा होता है और जब वो सुपर सैन बनता है तो वो सभी को सरपास कर लेता है और वेजिटा उस पॉइंट पर मर भी चुका था। तो गोकू इस पॉइंट पर वेजिटा के मुकाबले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। एंड्रॉइड सागर के अंदर वेजिटा भी बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका होता है। 3 साल तक ट्रेनिंग करने के बाद वेजिटा भी सुपर सैयन अचीव कर लेता है और पिकोलो बताता भी है कि अब वेजिटा गोकू से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जब गोकू का कैंसर खत्म हो जाता है तो वो जाते हैं हाइपरबोलिक टाइम चेंबर के अंदर ट्रेनिंग करने के लिए और वेजिटा और ट्रंक्स पहले जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। वेजिटा वहां से बाहर निकलता है और वो पालता है सुपर सैयन ग्रेड 2 जिससे वो गोकू को पूरी तरह सरपास कर लेता है। लेकिन जब गोकू हाइपरबोलिक टाइम चेंबर से बाहर निकलता है तो उसने तो पूरी तरह सुपर सैयन को मास्टरी कर लिया था और उसने वेजिटा को फिर से सरपास कर लिया और उसको हरा दिया था। और इस पॉइंट पर वेजिटा भी डर गया था गोकू की पावर को देखकर। वो इतना डर गया कि उसने हार ही मान ली और बोला कि वो कभी फाइटिंग नहीं करेगा। फिर 7 साल के बाद भूसा का आता है और गोकू 7 साल के लिए ट्रेनिंग कर रहा था अदरवर्ल्ड के अंदर। वहीं वेजिटा ने भी अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखी थी। लेकिन आगे जाकर वेजिटा रियलाइज कर लेता है कि गोकू उससे कितना ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है और वो बाबेटी के हाथों कंट्रोल हो जाता है ताकि उसको पावर अप मिले और वो गोकू का मुकाबला कर सके। और गोकू बोलता भी है कि मार्जिन वेजिटा और उसका पावर लेवल बिल्कुल सेम ही है। लेकिन इस पॉइंट पर गोकू सुपर सैयन 3 को भी छुपा रहा था वेजिटा से। तो गोकू इस पॉइंट पर वेजिटा से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और सुपर सैयन 3 मार्जिन वेजिटा के मुकाबले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो गोकू भूसा के अंदर भी उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और वेजिटा भूसा के अंदर पर ये रियलाइज भी कर लेता है कि गोकू उससे हमेशा आगे रहेगा। फिर आता है बैटल ऑफ गॉड सागा, जब बीरस सुपर सैयन गॉड को ढूंढ रहा था। और जब गोकू सुपर सैयन गॉड बनता है तो उसने वेजिटा को पूरी तरह सरपास कर दिया था और वेजिटा उसके मुकाबले बहुत ही कमजोर था। लेकिन गोल्डन फ्रीजा सागर के अंदर वेजिटा वीस के साथ ट्रेनिंग करता है 6 महीने के लिए और उसका पावर लेवल बिल्कुल गोकू के लेवल पर पहुंच चुका होता है। फिर बाद में जाकर वो दोनों सुपर सैयन भी अचीव कर लेते हैं और उन दोनों का पावर लेवल बिल्कुल सेम हो जाता है। वो बिल्कुल इक्वल होते हैं और इस बार वो एक दूसरे के पक्के राइवल्स होते हैं। लेकिन यूनिवर्सिक्स टूर्नामेंट के अंदर जब गोकू वेजिटा लड़ रहे होते हैं तो वेजिटा हेड के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और गोकू अपनी नई फॉर्म दिखाता है सुपर सैयन ब्लू कायोकेन टाइम्स 10। और इस फॉर्म से वो फिर से वेजिटा को सरपास कर लेता है
और उससे एक कदम आगे चला जाता है। तो इस पॉइंट पर गोकू ने फिर से वेजिटा को सरपास कर लिया था और वेजिटा उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकता था। गोकू ब्लैक सागा के अंदर दोनों गोकू और वेजिटा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, लेकिन गोकू तब भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। गोकू पूरे आर्क के अंदर कभी सुपर सेन ब्लू कायोकेन इस्तेमाल ही नहीं करता, और करता है तो वो जामासू से लड़ते हुए। लेकिन इस पॉइंट पर हम बोल सकते हैं कि गोकू और वेजिटा बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल हैं। लेकिन अब आता है टूर्नामेंट ऑफ पावर, जहाँ गोकू ने अपनी ट्रेनिंग करनी छोड़ दी थी और उसकी पावर बहुत कम हो चुकी थी और वेजिटा ने अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखी थी। टूर्नामेंट ऑफ पावर की शुरुआत में वो दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन जैसे ही टूर्नामेंट आगे बढ़ता है वो दोनों ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। गोकू पा लेता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और वहीं वेजिटा पा लेता है सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन। सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन बिल्कुल सुपर सैयन ब्लू कायोकेन टाइम्स 20 के बराबर था, वहीं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन बिल्कुल जीएन के लेवल पर। तो गोकू अब भी वेजिटा से आगे था और वेजिटा उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकता था। और सिर्फ यही नहीं, क्योंकि गोकू आखिर में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर भी कर लेता है और पा लेता है MUI, जिससे वो सभी को सरपास कर लेता है और बन जाता है पूरे टूर्नामेंट पावर का विनर। ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली के अंदर उन दोनों की पावर सेम होती है। गोकू और वेजिटा दोनों ब्रॉली से लड़ते हैं और वो दोनों समझ जाते हैं कि वो ब्रॉली के सामने कुछ भी नहीं कर सकते और वो बन जाते हैं गोजिटा। लेकिन क्योंकि ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद है, तो गोकू के पास अब भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है, तो वो अब भी वेजिटा के बहुत आगे है। लेकिन अब आता है मोरो आर्क और ग्रैनुला आर्क। मोरो आर्क के अंदर दोनों अपना रास्ता चुन लेते हैं और गोकू कुछ और सीखने जाता है और वेजिटा कुछ और। गोकू जाता है मिरर्स के पास ताकि वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को एक्टिवेट करना सीख ले, वहीं वेजिटा जाता है याड्रर पर ताकि वो नई टेक्निक सीख पाए ताकि वो सबको सरपास कर सके। गोकू अल्ट्रा साइन को एक्टिवेट करना सीख लेता है और वेजिटा अपनी नई टेक्निक सीखता है और वो होती है स्पिरिट फिजन। और मोरो बोलता भी है कि वेजिटा गोकू से ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन जब गोकू मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अचीव कर लेता है तो वो सबसे स्ट्रांगेस्ट बन जाता है। वेजिटा उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकता था, चाहे उसके पास कुछ भी हो। और गोकू इस आर्क के आखिर में भी वेजिटा से ज्यादा आगे था। लेकिन मोरो आर्क के अंदर वेजिटा फाइनली गो के पास पहुंच जाता है। जब वेजिटा रियलाइज कर लेता है कि वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज नहीं कर सकता, तो बीरस उसको बताता है कि सिर्फ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट नहीं है गॉड्स की टेक्निक, बल्कि हकाई भी है। और बीरस वेजिटा को हकाई सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। वो दोनों ट्रेनिंग करते हैं और वेजिटा फाइनली हकाई सीख जाता है और वो पहली बार इस्तेमाल करता है ग्रैनुला से लड़ते हुए। और वो पा लेता है एक नई फॉर्म जिसका नाम होता है अल्ट्रा ईगो। इस फॉर्म के अंदर वो इस्तेमाल करता है हकाई की पावर, जिसका मतलब है डिस्ट्रक्शन की पावर, वही पावर जो बीरस इस्तेमाल करता है। इसमें वो जितनी मार खाएगा वो उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। इस फॉर्म के अंदर वो ग्रैनुला को भी डरा देता है और उसको फुल पावर इस्तेमाल करने में मजबूर कर देता है। वहीं गोकू पहले ही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मास्टर में ग्रैनुला से हार गया था और लगता है कि वेजिटा की अल्ट्रा ईगो की ड्यूरेबिलिटी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में सब कुछ डॉच कर लेता है, लेकिन वेजिटा सब कुछ झेलता है और उसके बाद और भी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो वेजिटा के लिए बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है, अगर वेजिटा ने कुछ ज्यादा ही मार खा ली तो वो हार जाएगा। और ये ग्रैनुला के अंदर बहुत बार होता है, मतलब लिटरली 3 दफा। अल्ट्रा ईगो की पहली फाइट के अंदर ही वो हार गया था जब ग्रैनुला अपनी दूसरी आंख निकालता है, और उसके बाद वो फिर से फाइट करते हैं और वेजिटा फिर से आ जाता है। और जब वो गैस से लड़ रहे होते हैं तो वेजिटा गैस से लड़ता है। वेजिटा गैस को अच्छी टक्कर दे रहा होता है, लेकिन गैस उसको भी हरा देता है और वेजिटा वहीं हार जाता है। वहीं गोकू मेडिटेशन करके एक नई फॉर्म निकालता है और वो होती है ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, जिसमें वो अपने सेम इमोशंस और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को कंबाइन करके बना लेता है ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। और इस फॉर्म के अंदर वो वीस या किसी एंजल को कॉपी कर रहा नहीं होता है, बल्कि ये उसकी खुद की टेक्निक है और सिर्फ वही उसको इस्तेमाल कर सकता है। इसी के साथ साथ वो गैस को भी सरपास कर लेता है और वो वहां पर सबसे स्ट्रांगेस्ट बन चुका होता है, सबसे स्ट्रांगेस्ट मॉडल पूरे यूनिवर्स 7 के अंदर। वो इतना स्ट्रांग बन चुका होता है कि गैस की बॉडी भी बूढ़े होने लग जाती है और वो अपनी जान खोने लग जाता है। लेकिन ग्रैनुला के अंदर हमें दिखता है ब्लैक फ्रीजा, जो कि गोकू और वेजिटा दोनों से ज्यादा स्ट्रांग था, और उसने दोनों गोकू और वेजिटा को उनकी स्ट्रांगेस्ट फॉर्म के अंदर हरा दिया था सिर्फ एक ही शॉट के अंदर। तो यहाँ पर गोकू वेजिटा से ज्यादा स्ट्रांग गोकू है, लेकिन उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है ब्लैक फ्रीजा। और अब बारी है ड्रैगन बॉल सुपर सुपर हीरो की। ड्रैगन बॉल सुपर सुपर हीरो के अंदर गोकू वेजिटा बेस फॉर्म के अंदर फाइट करते हैं। उन दोनों की फाइट बहुत खतरनाक होती है, लेकिन पता नहीं क्यों गोकू इस मूवी के अंदर बहुत डम बन जाता है। क्योंकि जब वेजिटा मेडिटेशन कर रहा था तो गोकू उसको बोलता है कि वो अपना टाइम जाया कर रहा है, जबकि ड्रैगन बॉल के अंदर खुद गोकू मेडिटेशन करता था और अपनी पावर बढ़ाता था। और अब गोकू वेजिटा का मजाक उड़ा रहा है इसकी वजह से। लेकिन जो भी हो, वेजिटा और गोकू अपनी बेस फॉर्म में लड़ते हैं और वो दोनों अपनी फुल पावर इस्तेमाल करते हैं अपनी बेस फॉर्म के अंदर। वो दोनों सुपर सैयन नहीं जाते और वो सिर्फ अपनी बेस फॉर्म में लड़ते हैं। और मूवी के एंड पर हमें पता चलता है कि वेजिटा ने फाइनली गोकू को हरा दिया है, और वेजिटा ने फिर से गोकू को हरा दिया, और इस बारी तो वो बिल्कुल साफ साफ हरा देता है गोकू को। तो गोकू वेजिटा पूरी सीरीज के अंदर 3 दफा फाइट करते हैं। सैयन सागा के अंदर गोकू वर्सेस वेजिटा, बू सागा के अंदर मार्जिन वेजिटा वर्सेस सुपर सैयन 2 गोकू, और ड्रैगन बॉल सुपर सुपर हीरो के अंदर, जहां पर दोनों अपनी बेस फॉर्म में लड़ते हैं। पहली फाइट के अंदर तो गोकू के पास कायोकेन होता है, लेकिन आखिर में वेजिटा ग्रेट वेव इस्तेमाल करता है और गोकू को हरा देता है।
अगर वहां पे याजिरो भी, क्रिलिन और गोहान नहीं होते तो गोकू वहीं पे मर जाता, क्योंकि उसके पास बिल्कुल ही पावर नहीं थी और उसकी बॉडी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी जब उसने कायोकेन 4 इस्तेमाल किया था। फिर उनकी सेकंड फाइट होती है बू सागा के अंदर, जब वेजिटा बन जाता है माजिन वेजिटा और गोकू अपनी सुपर सैयन 2 फॉर्म के अंदर माजिन वेजिटा से लड़ता है। यह वाली फाइट सबसे खतरनाक होती है क्योंकि इसमें दोनों इक्वल होते हैं और दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो आसानी से बू को रिलीज भी कर देते हैं, और इसकी वजह से गोकू फाइट को रोकने की कोशिश करता है लेकिन आखिर में वेजिटा उसको धोखा देकर उसको ही मार देता है। तो आखिर में वेजिटा ने फिर से गोकू को हरा दिया, लेकिन इस बार उसने चीटिंग करके उसको हराया था। और उनकी तीसरी फाइट होती है ड्रैगन बॉल सुपर सुपर हीरो के अंदर, जहाँ पर गोकू वेजिटा बेस फॉर्म के अंदर लड़ते हैं एक दूसरे से, और इस बार भी वेजिटा जीत जाता है, लेकिन इस बार वो क्लियर और साफ साफ जीतता है बिना किसी चीटिंग के, बिना किसी ट्रांसफॉर्मेशन के और सिर्फ अपनी पावर के बलबूते पर, लेकिन गोकू भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो गाइस नीचे कमेंट करके बताओ तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, गोकू या वेजिटा? मेरा तो गोकू है और मेरा तो वेजिटा है। इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो के अंदर।